बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको MSJ का सलाम पहुंचे। मैं एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा तालिबे इल्म हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं शबीर खोकर साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्म अदाद का इल्म रखते हैं। इनसे ही पाकिस्तान के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सी चीज़ें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? जी सर, अल्लाह का करम। सर, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी बेसिकली है क्या? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं भी अपने आप को इस बहुत उसी फील्ड का एक तालिबे इल्म समझता हूँ। एस्ट्रोलॉजी जो है ये एक बहुत पुरानी साइंस है, जो कि एक बड़ा सेकुलर किस्म का इल्म है। लोगों ने इसको बेशक अपने अपने मज़हब के साथ इसको एसोसिएट किया है, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम समझते हैं कि हिंदुओं के ज़्यादातर ही है, या चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत फ़र्क के साथ वो भी अपना एक वजूद रखती है। पर्शियन जो है वो कल्चर जो है बड़ा रिच है इस हवाले से। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा वसत से सोचें तो ये एक बहुत वसी इलम है, और दुनिया के हर खत्े में थोड़ी बहुत चेंज के साथ ये इतना ही पुराना है जितनी कि इंसानियत की तारीख पुरानी है। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी जब लोगों ने देखा, जब शहरों में लोग कम रहते थे या देहाती माहौल था, तो लोग रात को ऑब्ज़र्व करते थे, आसमान क्लियर होता था। अभी तो खैर पोल्यूशन ने हमसे ये भी फैसिलिटी छीन ली है। तो क्लियर आसमान में वो देखते थे कि जब मुख्तलिफ सितारे मुख्तलिफ पोजिशन पर आते हैं, तो उनकी ज़िंदगी के साथ काफ़ी सारे वाक़ियात रिपीटेडली रिलेट करते हैं। तो इससे फिर ये चीज़ डेवलप हुई कि इनके हमारी ज़िंदगी के ऊपर कुछ असरात हैं। तो इसको उन्होंने जब ज़्यादा माइन्यूटली और ज़्यादा एक तरतीब देना शुरू की, तो फिर उसके साथ साथ ये इलम जो था वो जरूरत में आता है। इसकी सादा सी एक जो मिसाल है, हर सितारे के अंदर ये असरात हो सकते हैं, और वो किस तरह से वर्क करता है उसको मे बी हम अभी इतना क्लियरली ना जान पाए जितनी हमारी अभी तरक्की हुई है साइंस की। लेकिन एक छोटी सी बात है कि हम इसको चाहते हुए या ना चाहते हुए आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम चावल की फसल एक ख़ास मौसम में बोते हैं, गंदम की फसल एक ख़ास मौसम में बोते हैं। वो क्यों इस तरह से फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हम सूरज को देख रहे होते हैं, सूरज के टेम्परेचर को, सूरज की पोजिशन को, और वो हमारी ज़िंदगी पर कितना बड़ा असर डालता है। सूरज की किस इलाके में कितनी शुआएँ पहुँचती हैं, उस हिसाब से हमारा कल्चर चेंज हो जाता है, हमारी हिस्ट्री चेंज हो जाती है, हमारा जियोग्राफी जो है वो चेंज हो जाता है, हमारी तजारत चेंज हो जाती है। चावल की फसल हमारे मैदानी इलाकों में होती है, जबकि चाय की फसल वहाँ पर सूरज खास तरीके से फ़र्क होता है, दिन रात का वक्त चेंज हो जाता है। तो ये बहुत डेप्थ में है। तो बेसिकली यही है कि अजराम फलकी किसी इंसान के ऊपर किस तरह से इम्पेक्ट डालते हैं, उसकी सबसे पहले उसकी फिज़िकल एग्जिस्टेंस पर, और फिर उसकी सोशल और माशरती उसकी ज़िंदगी पर किस तरह से उसे मुतासर करते हैं। सर, अगर मैं बात करूँ इसी में से, कितने बुर्ज हैं और कितने आप बुर्जों को कर सकते हैं कि हर स्टार के लिए भी अलग बुर्ज है? जी, तो अब जो इसके एस्ट्रोलॉजी के जो असरात हैं, ऐसा नहीं है कि ये हमारे ऊपर कुछ जबरी इलम है। ये इसका जो इम्पैक्ट या जो रिज़ल्ट निकलता है वो हमारी अपनी अमाल, हमारे अपने एक्शंस, और एक सिचुएशन जो कुदरत की तरफ से क्रिएट होती है, उसके अंदर हमारा अपना अमल क्या रोल प्ले करता है, दोनों का एक इकट्ठा जो इम्पैक्ट है उसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो जो आपने भी फरमाया कि कितने बुरूज हैं, बुरूज असल में किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा। बुरूज जो है वो इसका जिक्र कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात में भी आया है, और सितारों का अगर आप आसमान का मुशाहिदा करें किसी क्लियर रात को, शाम को, तो आपको चंद एक सितारों के जो ग्रुप हैं वो नज़र आएंगे आसमान के एक साइड पर, दूसरे किनारे पर आप देखेंगे तो एक और सर्टन सितारों का ग्रुप होगा। अगर इनकी डॉट कनेक्टिंग करें तो एक खास शक्लें बन जाती है, जिससे फिर एक सिम्बोलिज्म की लैंग्वेज की मदद से इंसान इसको महसूस करना चाहिए। तो ये जो गैर अनचेंजिंग जो ये कॉन्स्टलेशंस हैं सितारों की, ग्रुप जो हैं, इसको ब्रूज कहते हैं। अब उन ब्रूज में भी एक सितारा बड़ा नुमायाँ हो सकता है, जब वो एक सितारा जो सियारे हैं जिसको हम प्लैनेट कहते हैं, लेकिन आम गलतुल आम उसको भी सितारे कह लिया जाता है। तो जब उस प्लैनेट जो है वो मूव करता है, तो किसी खास जगह पर जाकर उसकी रोशनी या उसकी ताकत या उसकी एनर्जी जब वो ज़्यादा वाजे हो जाती है, किसी दूसरी जगह पर जाकर उसकी एनर्जी में ज़रा कमी आ जाती है। तो ब्रूज का मतलब वो जो फिक्स्ड ग्रुप है सितारों के वो है, और जो सितारे हैं या जो प्लैनेट्स हैं उनसे मुराद वो प्लैनेट्स या वो सितारे हैं जो मूव करते रहते हैं। हर बुर्ज का कोई रूलिंग प्लैनेट हो सकता है, किसी बुर्ज
में किसी सितारे को शर्फ हो सकता है, बड़ी बेहतरीन पोजीशन में हो सकता है, वही सितारा किसी दूसरी जगह पर जाके बड़ी एक लेस एनर्जी वाली पोजीशन में हो सकता है, किसी जगह पर वो बैलेंस हो सकता है। बिल्कुल इसकी मिसाल सादा सी है, जैसे जून जुलाई अगस्त के महीनों में सूरज की तपश हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में वो कम हो जाती है। इसी तरह हमारे पास सर्दियों में जाकर दिसंबर जनवरी फरवरी में ये बिल्कुल सूरज की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है हमारे वाले एरिया में, किसी और जगह पर भी बढ़ जाती है। तो इस तरह बाकी जो मूविंग प्लैनेट्स हैं वो भी उनके साथ ही यही मामला है। सर अगर बात करूँ सियारे और बुर्ज की, आपने बात की है, अगर हम एक बुर्ज की बात करें तो उसमें लिब्रा आता है, स्कॉर्पियो आता है, सिम्बला आता है, और सियारों में इजारा आता है, इसी तरह दूसरे, इनकी आपस में क्या कंपोजिशन है? बेसिकली इसको जो ज़मीन है वो एक स्फीयर की शक्ल में, गोल शक्ल में है। तो हुकमा ने फिर इसको डिस्कवर तो कर लिया था बड़ा असर पहले ही, फिर लेकिन ये फिर 17वीं 18वीं सदी में आके इसको ज़रा ज़्यादा पजीराई मिल गई इस कॉन्सेप्ट को। तो उस ज़मीन का जो है ना घेरा जो है वो बनता है एक सर्कल, अगर आप देखें तो सर्कल के हमेशा 360 डिग्रीज होती है, एंगुलर जो डिस्टेंस होता है उसको उसकी जो कमैश होती है वो दर्जे में या डिग्रीज में होती है। 1 डिग्री मीन आर एन एंगुलर डिस्टेंस, और 360 मीन्स फुल दर्जा, फुल 360 दर्जे एक सर्कल में हो सकते हैं। तो 360 को अब देखें कि वो लोग कितने से आने दें, हम आज शायद उनको समझते हैं कि हम बड़ी कोई इंटेलिजेंट जनरेशन है, लेकिन मेरे ख्याल में वो लोग जिनको कहते हैं राउस और उपला, ऐसे लोग होते हैं, उनको पता था कि ज़मीन गोल है, फिर उन्होंने इसको 30 दिनों में बराबर भी तकसीम कर लिया, जिसको हम महीने का नाम भी देते हैं, और जो फासला सूरज एक दिन में तय करता है उसे हम दिन का नाम देते हैं, और एस्ट्रोलॉजी की ज़ुबान में उसे दर्जे का नाम देते हैं। वही सूरज जब 360 डिग्रीज को अबूर करता है तो साल का एक चक्कर हो जाता है, और 360 को जब 30 पर तकसीम करें तो वो 12 मुख्तलिफ हम महीने कह सकते हैं, आम ज़ुबान में बन जाते हैं, और अगर एस्ट्रोलॉजी की ज़ुबान में बात करें तो वो गुरूज बन जाते हैं। ये असल में महीनों के ही नाम है, ये यूनानियों ने रखे हुए हैं महीनों के नाम, इस तरह मुख्तलिफ दुनिया के सिविलाइजेशन में ये जो नाम है मुख्तलिफ हवालों से हैं, जैसे चाइनीज़ में जानवरों के नामों से नाम है, कुछ रेप्टाइल के नामों से नाम है, कुछ चुपायों के नामों से हैं, इसी तरह जो है वो इसमें कुछ जानवरों के नामों को यूनानियों ने भी इस्तेमाल किया, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी इनका नाम है। तो मुख्तलिफ सिम्बल से इन्होंने असल में इनको फिर तबीर कर दिया, बेसिकली वही 30 दिनों का एक महीना जो है वही एक बुर्ज होता है। सर अभी आपने बात की 30 दिनों का एक महीना एक बुर्ज होता है, क्या एक बुर्ज डेली अपनी पोजीशन चेंज करता है? जैसे हम डेली प्रोडक्शन लोग कर रहे होते हैं किसी इंसान की, क्या वो एक महीना, एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बाद जाके अपनी पोजीशन चेंज करता है? जो बुर्ज हैं उनको फिर एक तो तकसीम किया गया पहले 30 दिनों के ऊपर काफ़ी, दूसरा ये कि अब उनको हमने उसके साथ जो भी इलम अपना एसोसिएट करना था वो फिर उन उस दौर के हुक्मा ने पिक्टोरियल लैंग्वेज इस्तेमाल की, जैसे बुर्ज हमल जो है ये एक पहाड़ी पकड़े को दर्शाता है, ये उसको सिंबलाइज करता है, इसी तरह जो बुर्ज सौर है वो एक बैल का निशान है। अब इनको ये सिंबल की एक लैंग्वेज है, आपके क्वेश्चन पर नजर आ रहा था प्लस इसको इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के, अब जो एक को हम एक्सप्लेन कर देते ताकि बाकी उनका फिर हम बाद में कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट भी और कर लें। फॉर एग्जाम्पल सौर बुर्ज है जिसका टॉरस इंग्लिश में है, उर्दू में अरबिक में सौर है, सौर गाय या बैल को कहते हैं। तो उस वक्त जो इंसान की सारी जो जमा पूंजी होती थी, जो उसकी कुल जायदाद थी, उसके मवेशी होते थे, तो जो गाय या जो बैल थे वो उनकी मूवेबल प्रॉपर्टी थी, जिसको वो आगे अपने साथ ले जा सकते थे, उसी से उसकी आगे बढ़ती थी ज़मीन। तो अगर किसी के पास एक एकड़ है तो साल दो साल बाद भी एक एकड़ ही रहेगी, एक एकड़ में दो एकड़ में हो जाना, अगर उसने वो दो एकड़ बनानी भी है तो वो किसी बैल की मदद से उसने उसको करके बनाना है, कल्टीवेट करके बनाना है। तो अब इसी के वो दूध पीते थे। अच्छा अब ये जो एस्ट्रोलॉजी में यही दूसरा घर जो है जिसको बुर्ज सौर कहते हैं, ये जनरली ये इंसान की जो भी उसकी गेन है, जो भी उसकी कमाई है, जो भी उसके रिसोर्स है उसको रिप्रजेंट करता है, और शुरू में प्रैक्टिकल लाइफ भी ऐसे ही था। इसी तरह सौर बुर्ज क्या होता है कि उसको आप अगर आपने कभी देखा हो किसी हल या कुएं पर पहले जोते जाते थे बैल, उनकी आंखों के ऊपर तो वो पट्टी बंधी होती थी, वो बस घूमते रहते थे एक ही सर्कल। तो ये अपने वो वज़न कहाँ से उठाते थे, अपनी गर्दन से उठाते थे। तो अब सौर वालों के साथ एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि ये लोग जो हैं ये ज़्यादातर अब जोर से काम लेते हैं, शौर से काम लेते हैं, जोर से काम लेते हैं, ये एक कॉमन
ट्रेड एंटी है, ट्रेड एंटी पर्सनैलिटी, जैसे बैल अपनी गर्दन से जोर लगा उसने काम करना, तो इस तरह से उन्होंने मतलब इनको एक पिक्टोरियल लैंग्वेज देकर कर लिया। अब ह्यूमन जो बॉडी है इसको भी एस्ट्रोलॉजी में इसकी बीमारियाँ का इलम इसमें है, इसका कौन सा हिस्सा आपको जिसम का जो है वो परेशान कर सकता है, डैमेज हो सकता है, वीक है, विद पार्ट ऑफ योर बॉडी कैन कैच सम एलिमेंट, ये भी बिल्कुल इसके अंदर इलम है। तो अब वो जो सौर है वो इंसान की गर्दन के साथ रिलेटेड, अब गर्दन की जो बीमारियाँ होंगी ज़्यादातर इससे रिलेटेड होंगी। तो इस तरह बाकी सारी चीज़ें जैसे कैंसर जो बुरी है वो इंसान के सीने के हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, तो अब उसकी कैंसर की शक्ल आप केकड़े की देखें जैसे पसलियों की हमारी शक्ल है उस तरह की है, और मतलब वो एक आबी बुर्ज है, पानी वाला बुर्ज है, तो जो हमारा बेटा है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से इसकी बड़ी ज़िंदगी के साथ रेलिवेंस है, बड़ी ज़्यादा रिलेशनशिप है, और बड़ा लॉजिकल इलम है ये, मतलब ये कोई ऐसे इसको एक हमारे कल्चर में हमारी सोसाइटी में ट्रेंड है कि जिस चीज़ को हम कुछ जानते नहीं होते उसके बारे में सबसे पहले हम नेगेटिव रिमार्क देंगे कि ये ऐसे कुछ नहीं होता है, हालांकि जो आपने उसको देखा नहीं परखा नहीं, आप देखें जो सही परखें तो सही, तो ये सिलसिला है। तो ये पिक्टोरियल लैंग्वेज में इसको डाला गया। तो ब्रूज इस तरह से 12 बनते हैं, आपका क्वेश्चन भी यही था गाली, 12 ब्रूज हैं, ब्रूज एरी से लेकर टॉरस, जैमनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसिस। तो ये 12 ब्रूज, अब इनमें से हर ब्रूज का ज़्यादातर तो दो ब्रूज को एक सितारा रिप्रेजेंट करता है, जैसे जोहल इन सैचरन जो है वो कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करता है, इस तरह जो जुपिटर है वो पाइसिस और सेजिटेरियस को करता है, एरीज को और स्कॉर्पियो को मार्स रिप्रेजेंट करता है, टॉरस और लिब्रा को वीनस जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जेमिनी एंड वर्गो को मरकरी रिप्रेजेंट करता है, और बाकी बात जाते हैं रोड रूट कैंसर एंड लियो इनके अलगोसद और रूट सरतान, इनका एक एक ही सितारा है, सरतान जो है उसका कमल है और लियो का जो है वो असद का जो है शम्स है। तो ये सिलसिला सर बहुत शुक्रिया आपका, अपना अपने दोस्त साहब आपका बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे और शबीब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।